जय हिंद दोस्तों। उत्पाद शुल्क कांस्टेबल सिपाही के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और 10th पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी SC ST OBC जनरल EWS एक्स सर्विसमैन सभी के लिए है और 10th पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण एज पर गवर्नमेंट के अनुसार मिलेगा, तो जो वैकेंसी निकली हुई है पूरा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं जो फीस देनी है वो कितनी देनी है। परीक्षा शुल्क जो लगेगी ₹100 आपको फीस लगेगी आवेदन भरने का। SC ST के लिए ₹50 है और जो कि नॉन रिफंडेबल है, एक बार जमा हो गई फिर नॉन रिफंडेबल फीस है। इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है, पद का नाम है उत्पाद सिपाही कांस्टेबल, उत्पाद शुल्क सिपाही कांस्टेबल एवं मद्य निषेध विभाग के पदों पर वैकेंसी है। जो वैकेंसी है अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व 237 पदों पर वैकेंसी है और महिलाओं के लिए 12 पद है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 148 पदों पर वैकेंसी है, 7 पद महिलाओं के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति की जो वैकेंसी है, 57 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 50 वैकेंसी है, 3 महिलाओं के लिए है और पिछड़ा अन्य वर्ग के लिए 32 वैकेंसी है, 2 महिलाओं के लिए। इसके लिए आबकारी विभाग के लिए 159 वैकेंसी है, 59 वैकेंसी है। और बता दें कि ये जो वैकेंसी निकली हुई है झारखंड उत्पाद सिपाही के सेवा के पदों पर है, तो झारखंड के निवासी ही इसके लिए रिजर्वेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं, अनरिजर्व पोस्टों पर। तो ध्यान रखें जिनको आरक्षण लेना है वो झारखंड के मूल निवासी होना जरूरी है। टोटल पोस्ट है 583 पोस्ट है, 583 पदों पर है, 30 महिलाओं के लिए रिजर्व पद है, खिलाड़ियों के लिए 12 पद हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए जिस कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन हैं उस कैटेगरी में वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए उसी में आरक्षण है एज पर झारखंड गवर्नमेंट के अनुसार। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो इसमें न्यूनतम वेतन वेतन और शैक्षणिक योग्यता रहेगी। तो उत्पाद सिपाही के पदों पर जो वेतन मिलेगा ₹19,900 से ₹63,200 पे लेवल 2 मिलेगा। इसके बाद 10th पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10th पास है, 10th पास होना कंपलसरी है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपके लास्ट दिन जो आवेदन की तारीख है तब तक आपका हो जाना चाहिए, 10th पास कर लिया हो। ये कट ऑफ 10th पास की है जब तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। इसके बाद आपको वहाँ की भाषा का नॉलेज भी होना चाहिए, झारखंड की भाषा का नॉलेज और परिवेश का नॉलेज भी होना चाहिए आप इसके लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो। समूह गा के पदों पर वैकेंसी है और खिलाड़ियों के लिए अलग से कोटा है, वो खिलाड़ी जो है वो अपना कोटे का फायदा उठाए और उसी में अप्लाई करें। शारीरिक माप की बात कर ले तो शारीरिक माप ऊंचाई चाहिए 160 सेंटीमीटर टू 148 सेंटीमीटर, अलग अलग वर्गों में अलग अलग दी हुई है, अपने वर्ग के अनुसार हाइट चाहिए। सीना का फुलाव और सीना होना चाहिए 81 से 79 है, अलग अलग वर्ग के लिए है। महिलाओं के लिए कोई इसमें माप नहीं होगी, बिना सीने का माप नहीं होगी। इसके बाद पैर मेडिकल में पैर और शरीर और ये मेडिकल टेस्ट होगा, पैर समतल नहीं होना चाहिए, कलर विजन की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेडिकल में आपका इसका विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद पद न्यूनतम आयु सीमा और मैक्सिमम आयु सीमा आपकी काउंट होगी 1/8/2022 से 1/8/2022 तक, तो 1/8/2022 तक आपकी काउंट होगी, ध्यान रखें। इसमें ये गलत दे दिया है, 1/8/2022 इसमें है तो आपकी वैसे हम बता देते हैं मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी आयु की जो गणना होगी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है। अनरिजर्व और EWS के लिए 25 साल, 18 से 25 एज है, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 वर्ष है। महिलाओं के लिए जो अधिकतम एज दी गई है 28 से 30 वर्ष है महिलाओं के लिए। भूतपूर्व सैनिकों को सर्विस प्लस 5 साल अलग से छूट दी जाएगी, अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसके बाद अभी देख लेते हैं इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं
ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके थ्रू अप्लाई कर लें। नोटिफिकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू अप्लाई कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।